तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी काम सीख रहे हैं, जो अभी 2 4 6 महीने हुए हैं काम सीख रहे हैं। तो उनका कमेंट आया था मेरे पास, तो भैया ने फायरिंग आउटर 4 सिलेंडर का मुझे बता दो। 4 सिलेंडर का भाई फायरिंग आउटर है 1342 1342। और मैप सेंसर के बारे में मुझसे पूछा गया था, मैप सेंसर क्या काम करता है। मैप सेंसर भैया, मैप सेंसर ये मेजर करता है कि इंजन में कितनी एयर जा रही है। तो ये सिग्नल ACM को बताता है कि इतनी एयर इंजन के अंदर आ रही है, तो उसी हिसाब से वो इंजेक्टरों को पल्स भेजकर वो इन्हें ओपन क्लोज करता है। पल्स की सूरत में वो ओपन क्लोज होते हैं। कहा था क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, क्रैंक शाफ्ट क्या काम करती है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होता है वो क्या काम करता है। तो भैया क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर काम करता है कि क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करता है और ECM को सिग्नल की सूरत में बताता है कि इस टाइम क्रैंक शाफ्ट किस पोजीशन पर है, और RPM जो अंदर मीटर में दिखते हैं तो वो क्रैंक शाफ्ट की सेंसर ही बताता है। तो भाई ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अभी काम सीख रहे हैं। जिन्हें पता है भाई वो वीडियो ना देखे, और जिन्हें नहीं पता तो वो वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्हें पता चलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगी। और आगे भी हमारे चैनल पे भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियो है, आप चैनल में जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाकर देखें। उसमें काफ़ी सारे सवाल है जो कार से रिलेटेड है, तो उसमें आप देख सकते हो, काफ़ी सवाल मिलेंगे आपको। और भाई हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, मैं खुद मकैनिक हूँ, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम हो गया। मैं पहले लोकल गैराज में काम करता था, आजकल कंपनी में करता हूँ, पहले मैं गुड़गांव में काम करता था। तो आपको सब सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे उसमें, और जो आपको पूछना है मुझसे तो कमेंट कीजिए, और कमेंट के मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, या वीडियो में भी वीडियो बना दूंगा स्पेशल से आपके लिए, तो वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कुछ भी हो, आपके पास कार है, आप मैकेनिक नहीं हो, कार है आपके पास, तो आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। तो नहीं थी वीडियो, बस यही मुझसे कमेंट में 2 3 कमेंट आए थे, तो उसमें भाई ने पूछा था, तो और भी अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।